बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर रमीज़ राजा, प्रोग्राम प्ले ऑन में। जी, आज के हमारे जो गेस्ट हैं अवैस हमारे साथ हैं, ये डोमेस्टिक क्रिकेटर हैं। कैसे हैं अवैस? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूं डॉक्टर साहब, आप सुनाए कैसे? अल्लाह का शुक्र, आखिर वो दिन आ गया कि जिसका सबको इंतज़ार था। जी, आज PSL 7 का पहला मैच होने जा रहा है मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के दरमियान। तो आप ये देखिए कि इसका बहुत एक्साइटमेंट थी लोगों में कि PSL 7 स्टार्ट कब होगा, और बहुत सारे रूमर्स भी चल रहे थे कि शायद कोविड पॉजिटिव होने की वजह से ये डिले भी हो सकता है। बहुत सारे प्लेयर्स में कोविड जो है ना 19 वो पॉजिटिव की रिपोर्ट्स आ रही थी, तो ये डिले भी हो सकता था। तो आज आखिर वो दिन आ गया। आ गया, बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे मैं आपकी बात इसी से कंटिन्यू करूंगा कि एक रूमर्स भी चल रहे थे, दूसरा हमारे जहन में खुद से खदशात आ रहे थे कि इतने ज़्यादा कोरोना के जो केसेस थे वो पॉजिटिव आ रहे थे। तो लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी खबर है जो क्रिकेट के शायकीन है, क्रिकेट के जो चाहने वाले हैं, जिनके अंदर क्रिकेट का एक जुनून बस है, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि आज फाइनली वो दिन आ गया कि आज पहला मैच होने जा रहा है। और इसमें एक ग्रेट न्यूज़ डॉक्टर साहब ये है कि आपकी ओपनिंग सेरेमनी भी हो रही है। हाँ। और जो ये PSL का एंथम भी रिलीज हुआ है ना, उसने एक और चार्म कर दी है जो क्रिकेट लवर्स हैं उनके दिलों में। चलिए जी, बात करते हैं हम कैप्टन और वाइस कैप्टन या ओपनिंग जो हमारी जोड़ी है उनके बारे में। आज जो दोनों आमने सामने होंगे, दोनों मिलकर किसी भी दुनिया की टीम को धो देते थे। सकते हैं। बाबर आजम की बात करते हैं और रिजवान की बात करते हैं। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम बेहतरीन ओपनिंग जो जोड़ी है हमारी, आज दोनों का आपस में टकराव होगा। मुल्तान सुल्तान दफाई चैंपियन है और उनका मुकाबला होने जा रहा है कराची किंग्स के साथ। बिल्कुल, कराची किंग्स प्रीवियस दिफाई चैंपियन है और मुल्तान सुल्तान इस साल के, दोनों के दरमियान मुकाबला होने जा रहा है। मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड मैच होने वाला है क्योंकि ये दोनों हमारे इस्लामी बल्लेबाज है। अगर पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम और रिजवान दोनों ओपनिंग करते हैं, लेकिन इस बार दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे, तो मेरे ख्याल से ये एक और चीज इसकी एक्साइटमेंट को और बढ़ा देगा। उधर देखें शर्जील और उसके साथ आएंगे बाबर, इधर आएंगे रिजवान और रिजवान के साथ सुहेब मकसूद भी आ जाएंगे। रैली रोसो, आप ये देखिए कि मुल्तान सुल्तान ने 210 का टारगेट अचीव किया है जो प्रैक्टिस मैच हुआ है पिशावर के साथ। यानी कि माशाल्लाह इतने ज्यादा फैंटेस्टिक पोजीशन पे है। मुझे जो आज की फेवरेट टीम लग रही है वो मुल्तान सुल्तान लग रही है, और क्योंकि आप देखिए पिछला टाइटल भी था इनके पास, धानी भी इनके पास वैसे ही है, इनके पास शान मसूद, सुहेब मकसूद, मोहम्मद रिजवान, रैली रोसो, फिंस है, बहुत कमाल का कॉम्बिनेशन है। अगर वहां से बाबर आजम है तो उनके पास अच्छी बैटिंग के साथ साथ शर्जील और अच्छी कप्तानी भी है, वो अच्छे कप्तान है। तो देखते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन आता है। बहुत टफ कंपटीशन होगा, बहुत एक्साइटिंग कंपटीशन होगा, देखने वाला होगा और बहुत मजा आएगा। और टॉस की तरफ भी जाते हैं कि टॉस देखें कि अगर मुल्तान सुल्तान बाद में खेलता है तो तब भी चांसेस हैं, क्योंकि मुल्तान सुल्तान ने 210 का टारगेट अचीव। मेरे ख्याल से ये जो प्लेइंग कंडीशंस है ना, उसके लिहाज से जो टीम भी मैच जीतेगी ना डॉक्टर साहब, वो पहले अपना ओवर करेगी, वो सबसे पहले ना आगे बैटिंग देगी किसी और को और वो बाद में बैटिंग करेगी। क्योंकि आप देखिए PSL में रिसेंट भी एक स्केड्यूल ऐसा बना हुआ था जो बाद में बैटिंग कर रहा था वो जीत रहा था मैचेस की। बात करते हैं पिशावर ज़ल्मी की, एंड टाइम पे पिशावर ज़ल्मी को थोड़े से लगे हैं झटके। जी, डेरन समी ने किसी वजूहात की बुनियाद पर पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। एक मजे की बात बता दूं, जितने भी PSL हो गए हैं पहली दफा ऐसा होगा कि डेरन समी नहीं होंगे। लेकिन वो डॉक्टर साहब इसमें ये चीज है कि उन्होंने फर्स्ट लीग जो हमारी कराची में हो रही है ना, उसके लिए अनअवेलेबल है, लाहौर के लिए वो अवेलेबल होंगे। लेकिन डेरन समी एक जान है PSL की, और हमेशा से एक स्माइल उनके फेस पे जो रहती है, वो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान का एक हिस्सा है, PSL का हमेशा से एक हिस्सा है। अगर वो एज अ प्लेयर नहीं खेल रहे तो एज अ कोच वो PSL में रह गए हैं। और एक और धचका पिशावर ज़ल्मी को लगा कि कामरान अकमल, जो कि पहले ही मसाइल का शिकार थे, अब उनमें पॉजिटिव आ गया है कोविड, और उसकी जगह दोबारा से इमामुल हक को ऐड किया गया और अमाद भट्ट भी आए। बिल्कुल, ये एक अच्छा मतलब रिप्लेसमेंट हो सकती है। चले जी, मेरा तो मेरा जो वोट जाता है वो मुल्तान सुल्तान की, मैं भी मुल्तान के डेफिनेटली मुल्तान का सपोर्ट करेंगे। चले जी, देखते हैं कि आज का ये मुकाबला कैसा जाता है। मजीद अपडेट्स आपको देते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फी अमान अल्लाह।